एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। और हम अब धनौल्टी से जाने वाले हैं मसूरी की तरफ, और लगभग यहाँ से एक घंटे का रास्ता है। 29 किलोमीटर्स के डिस्टेंस पर है धनौल्टी से मसूरी, और ये है सेकेंड इको पार्क। और धनौल्टी में दो इको पार्क्स हैं, और ये देखिए हमें दूर दूर से स्नो पीक्स भी नज़र आ रही हैं। बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है पहाड़ों का। ये देखिए मसूरी, जिसे पहाड़ों की रानी भी कहा जाता है। मसूरी का नाम यहाँ की झाड़ी मंसूर के नाम से गिरा है, इसीलिए मसूरी को मंसूरी भी कहा जाता है। मसूरी एक बहुत खूबसूरत हिल स्टेशन है, जो इंडिया में उत्तराखंड स्टेट के कैपिटल देहरादून से 35 किलोमीटर की दूरी पर है, और दिल्ली से 300 किलोमीटर के डिस्टेंस पर है मसूरी। और ये है यहाँ की मसूरी की मल्टी लेवल पार्किंग। यहाँ पे आप आराम से अपनी कार पार्क कर सकते हैं और घूमने निकल सकते हैं माल रोड के लिए। और ये हमने ले ली 150 रुपये की एंट्री टिकट, क्योंकि हमारा जो होटल है वो मसूरी के माल रोड पर ही है। और अगर आपको फिर से दोबारा बाहर आना है घूमने के लिए, तो आपको दोबारा से 150 रुपये की टिकट लेनी पड़ेगी। लीजिए, हम पहुंच गए। और हमारा होटल है GMVN का गढ़वाल टेरेस, और ये है कुछ इस तरीके से हमारा होटल का बेडरूम। चलिए करते हैं थोड़ी सी पेट पूजा, और उसके बाद मैं आपको अपने साथ माल रोड घुमाने लेकर जाऊंगी। मसूरी फेमस है यहाँ के सूदिंग क्लाइमेट के लिए। इन पहाड़ों की रानी मसूरी में काफ़ी मात्रा में टूरिस्ट आते हैं। यहाँ के ब्यूटीफुल माउंटेन्स, मंदिर, खूबसूरत वाटरफॉल, रोप वे देखने लायक हैं। और बच्चे तो बहुत ज़्यादा इन्जॉय कर रहे हैं, क्योंकि उनकी मतलब की चीज़ें उन्हें मिल गई हैं। मसूरी में सबसे बड़ा माल रोड है। भारत के सभी हिल स्टेशन में से सबसे बड़ा माल रोड मसूरी में ही है। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। स्टे ट्यून। बाय बाय।